अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ एक और पबजी का ब्रांडेड न्यू गेम प्ले। तो कुछ बातें थी टाइटल का पढ़ के आए कि मुझे सब्सक्राइबर्स जो मेरे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स जिनको मैं कह सकता हूँ कि हाँ पे ये मेरी वीडियोस देखते हैं, उनके लिए वीडियो है। देखो यार, ऐसा सीन है कि ऑलमोस्ट जनवरी हो, सिक्स मंथ हो चुके हैं मुझे वीडियोस बनाते हुए। कोशिश ये रहती है कि डेली अपलोड करूं, वरना अगर एवरेज रखा जाए तो ऐसा है कि 5 महीने मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड की हैं, अदरवाइज 1 महीने में मैंने मतलब कोई डंडी वंडी मारी है, 3 दिन में हो गई या हफ्ते में एक हो गई, बहुत कम। वो भी क्यों, क्योंकि थोड़ा सा काम होता है, जाहिर बात है इंसान की पसंद आएगी। तो मेरी ये 99 या 98 वीडियो है, टाइम दे रहा हूँ मैं यूट्यूब को प्रॉपर, वीडियोस कोशिश करता हूँ कि बेहतर से और बेहतर करूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो भी रहा है कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ, चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एक जो मसला है वो ये कि जो मेरे व्यूज़ सब्सक्राइबर जो है ना, वो एक महदूद आके रुक से गए हैं, उससे आगे जा ही नहीं रहे। मुझको नहीं पता क्यों नहीं जा रहे, क्या वजह है क्या नहीं है। जस्ट के मतलब होता है ना कि 6 महीने में बंदे के पास ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर आ जाते हैं। मैं भी औरों की तरह ही बिल्कुल, जैसे एक होता है कि वीडियो पे गेम प्ले वॉइस ओवर एक सीक्वेंस होता है वही रख के चलता हूँ, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आ रहा। दरअसल मसला ये है, तो एक गुजारिश है आप लोगों से जो जो वीडियो देख रहा है, डीमोटिवेट मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सारा हुआ, क्योंकि ना मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा। पहले आता था मज़ा, अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो जो भी नया बंदा आए मेरी वीडियो पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाएगा, क्योंकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करे अल्लाह इस नाचीज को इतनी ताकत दे कि मैं वही हूँगा जो एक दिन थ्रोन गेमिंग के नीचे लिखा होगा 1M सब्सक्राइबर। इंशाल्लाह मैं वही हूँगा, अल्लाह इतनी ताकत दे। तो ऐसा है कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो थोड़ा सा ना दिल मतलब ऐसा ही हो रहा है। पबजी बैन हुआ है, पबजी कल खुलेगा, कोशिश करूँगा ये संडे को अपलोड कर दूँ ताकि मंडे को पबजी खुल जाए, फिर एक प्रॉपर जिस तरह गेम प्ले आते हैं उस तरीके से ही आया करेंगे। तो मैसेज ये था कि भाई देखो ऐसा सीन है, प्लीज़ जो भी नया बंदा है वो सब्सक्राइब कर दिया करे, क्योंकि यार सब्सक्राइबर नहीं होता ना फिर मज़ा नहीं आता। अभी मेरे 140 सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं स्टूडियो के बाद कितने बढ़ते हैं। और बस यही है, और क्या, गेम प्ले देखो, गेम प्ले भी चलते हैं अभी, और बस मज़ा नहीं आ रहा यार। मेरी वीडियोस को, मेरी अभी तक एक भी वीडियो ऐसी नहीं गई जो किसी ने, जिसका वॉच टाइम कंप्लीट ना गया हो, कि मेरी रिपोर्ट आती रहती है ना, तो हर वीडियो की रिपोर्ट ये है कि 4 मिनट की तो बंदा 2 मिनट दिख रहा है, 8 मिनट की तो बंदा 4 मिनट दिख रहा है, इस तरह कुछ सीन चल रहा है। तो और कमेंट्स करा करो, देखो तुम्हारे कमेंट्स बहुत इनकरेज करते हैं, बहुत सही तुम्हारे कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स करा करो, कोई इम्प्रूवमेंट हो बताया करो, मैं सीखने आया हूँ भाई यहाँ पे। पर जो मेरा कहना है कि 6 महीने में 140 सब्सक्राइबर कम है। तो अब आ गए भाई गेम की तरफ। तो ऐसा सीन था कि भाई सामने बंदे हैं 4, पूरा स्क्वाड आया हुआ है, पीछे खड़ी है एक गाड़ी, ठीक है, सामने एक बंदा है जो कि बहुत सही खेलने वाला है, और उसकी वीपीएन पे मेरी पिंग देख लो, उसकी पिंग देख लो, पिंग की बात तो छोड़ दो। तो हमने क्या किया, उस इतनी मतलब बारीक सी पिंग वो ले रहा है ना, पीक इतनी इतना छोटा सा दिख रहा है, इतनी छोटी चुन्नी सी पिंग ले पीक ले रहा है वो, लेकिन सर वेक्टर के सामने नो वन इज बचिंग बिकॉज वेक्टर इज थर्ड पुश। एक बंदा हमने उनका नॉक करके फिनिश कर दिया, दूसरा बंदा भी उसी के पीछे है, पहले क्नेट किया लेकिन ये कुक ज़्यादा कर दिया तो ये हवा में ही फट जाएगा, लेकिन एक अंदाज़ा हो गया कि नहीं ये नेट भी आगे जा रहा था, उससे डैमेज होता, वो नॉक नहीं होता। तो एक नॉर्मल नेट जैसे कहते हैं ना, सिंपल सा एक फूल की तरह फेंका,
एग्जैक्ट टाइम पे ज़मीन पे लगती फटा और उसने मेरा टीममेट नॉक किया, मैंने उसको नॉक कर दिया, यही साफ बराबर, समझ रहे हो। जोन भी आ रहा है और जोन दूर भी है, एक टीममेट वैसे ही हमारा मर चुका है, एक अभी जिंदा है और एक पे बंदा आ चुका है सामने से ही। ये कोई शक नहीं, ये ग्लिच लगा था, देखो देखो जब नसीब में होता है ना तो हो ही जाता है। ये ग्लिच था, वो दीवार के पीछे ही था लेकिन मेरी गोलियाँ कनेक्ट हो गई क्योंकि मुझे दीवार नज़र नहीं आ रही थी और गोलियाँ दीवार के आर पार चली गई, तो उसने बोल दिया हैक कर हैक कर हैक कर लाला हैक कर हैक कर। अब एक दूसरा बंदा आ रहा है, बहुत लोग, ये भी गया, कितने हो गए नॉक, दो नॉक हो गए, एक रहता है। इसको तो मैंने सबसे पहले जो नॉक किया था ना ये वही वाला है दूसरा नेट, तो 8 किल्स मेरे हो चुके हैं। अब जोन है बहुत ज़्यादा दूर, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, लूट भी नहीं है कुछ खास, वेक्टर की बस गोलियाँ उठाई मैंने, एक लैपटॉप उठाया और फिर निकल चुपचाप यहाँ से टक करके। पहले मैंने सोचा कि गाड़ी लेके ही चलते हैं क्योंकि जोन दूर है तो कहीं बीच में ना मरबड़ जाऊँ मैं, और हाँ मेरा माइक भी ठीक हो गया है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना आप। बस फिर तो हमने जो एक्सीलरेटर पे पाँव रखा सही नहीं देखा कुछ भी, वहीं बस जोन के अंदर ही जाके रुकी, फिर कुछ भी हो जाए जोन के अंदर ही जाना है। एक अब मैं अकेला हूँ और एक स्क्वाड है पूरा का पूरा, तो स्क्वाड को मारना है और ये है एक नवी सोल्जर का कोई प्लान होगा ये, लेकिन ये बंदा वैसे ही बहुत अच्छा खेल रहा था, मैं इसको नोट कर रहा था उसमें भी, तो वाकई ये बंदा बहुत अच्छा खेल रहा था। तो वक्त आ चुका है जिसके लिए आप वीडियो देख रहे थे, और वक्त ये है कि 3v1 चल रहा है, थ्रोन साहब अकेले पंगे ले रहे हैं, चुड़े कर रहे हैं, वेक्टर से तौबा, आइंदा नहीं चलाऊंगा वेक्टर, वेक्टर पे आप रेड डॉट, मतलब अगर आप ऐसा है कि अगर आपको बैरल नहीं मिल रही ना तो आप वेक्टर रख सकते हो, वरना इनका कॉम्बिनेशन बड़ा ख़राब है क्योंकि 3x पे बहुत रिकॉइल हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। अगर M4 होती तो इतना नहीं होता और शायद एक आधा नॉक भी हो जाता। वेक्टर मैं सिर्फ चलाता है इसलिए क्योंकि इसकी जो फायर रेट है ना, जो गोलियाँ निकलती हैं वो बहुत जल्दी निकलती हैं इसकी, तो बहुत सही मतलब मज़ा आया था इसको बंदे बंदे मार के ना इसे। वो बंदा वहाँ पे जंप कर रहा था, मैं उससे कहता भाई टीम अप करना चाह रहा हूँ और ये टीम अप बेहतर है यहाँ पे, तो और फिर मैंने देखा कि उसका एक बंदा यहाँ पे टप करके बैठा है ऐसा खामोश, और फिर मार दिया उसने मुझे थोड़ी सी जिल्लत वाली मौत। तो भाई यही था बस एक मैसेज जो आपको पहुँचाना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखना और अल्लाह हाफिज़।